नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। सुजलॉन एनर्जी, देखिए आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिला शुक्रवार के दिन 4.8% का। वो क्या है? वो है Q4 का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, Q4 का रिजल्ट में 21% का ना डिक्लाइन देखने को मिला, और भी प्रॉफिट के अंदर। इस वजह से मार्केट ने रिएक्शन दिया अपना, और एक तरह से गिरावट देखने को मिल रहा है। अब ये गिरावट कितना दिन तक चल सकता है? तो यहाँ पे देखिए, रिजल्ट की वजह से ना इतना भी खराब रिजल्ट इसमें नहीं है, तो 2 से 1 दिन तक हमको इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है ना, 44.65 जो हमारा है सपोर्ट लेवल है, 44.65 से लेकर 44 पॉइंट तक का एक अच्छा ना एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से हमको फिर दोबारा मजबूती देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट यहाँ से क्या रहेगा? तो पहला टारगेट हमारा 50 का रहेगा, दूसरा टारगेट ना ऑल टाइम हाई 56 रुपीज़ तक का इसमें देखने को मिल सकता है। अगर रिटर्न की बात किया जा रहा है, तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, 28% का शानदार रिटर्न दिया है। और हम तो आपको यहाँ से ही लगातार बताते जा रहे हैं, देखिए कंपनी के फंडामेंटल पे भरोसा रखिए, कंपनी के मैनेजमेंट में भरोसा रखिए। पहला जैसा भी मैनेजमेंट इसके अंदर नहीं है। पहले के मैनेजमेंट ने कंपनी को डुबा दिया था, लेकिन मैनेजमेंट में चेंजेस हो चुका है। और जब से चेंजेस हुआ है, स्टॉक 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का इसने शानदार रैली दिया है। तो अभी और भी इसमें मुनाफा वसूली जो अभी हो रही है, वो सिर्फ इसमें गिरावट हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अभी जो है इसमें और मुनाफा देखने को मिल सकता है आपको। तो पहला टारगेट याद रखिएगा 50 रुपीज़ का, और 56 रुपीज़ तक का देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल 44 तक का रहेगा। तो बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद।